रोहान आ रहा हूं यार। तंग आ गई हूँ बेटा। किस बात से तंग आ गई हो? इस जिंदगी से। क्या हुआ है आपकी जिंदगी को? अच्छी भली तो है, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा, सूली पे लटकी हुई जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। अम्मी, मैंने आपको कल 1 घंटा लेक्चर दिया था, ना उम्मीदी की बातें मत किया करें। आधी मर चुकी हूं, आधी जिंदा हूं। सुकून से मर जाऊं तो सुकून आ जाए। अम्मी, ऐसी बातें मत किया करें, दिल दुखता है मेरा। बेटा, फालिज से भी कोई जीत सका है? अम्मी, मैं रोहान को नाश्ता दे आऊं, आप लेट जाएं। पानी यहां पे रख लूं, दोबारा खांसी आए तो पी लीजिएगा। अल्लाह तुम्हें और हिम्मत और ताकत दे मेरी बच्ची। उन लड़कों ने तुमसे झगड़ा क्यों किया? क्योंकि तुमने उनकी फेसबुक आईडी हैक की थी। रोहान, तुम्हें पता है आजकल के झगड़े कितने खतरनाक हो गए हैं? लोग बात बात पर गन निकाल लेते हैं। कितने मुश्किल से तुम्हें पढ़ा रही हूं मैं। यूनिवर्सिटी की फीस 1.5 लाख है, 30,000 वो लोग अलग से ले लेते हैं। कुछ तो एहसास करो मेरा। ठीक है, कह दिया ना, आइंदा नहीं होगा ऐसा। और आजकल तुम ये खोए खोए कहां रहते हो? किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। रोहान, तुझे वॉर्न कर रही हूं मैं, अगर किसी लड़की का चक्कर निकल आया ना, तेरा हशर कर दूंगी मैं। अच्छा, नाश्ता दे दे। दे रही हूं। देखो रोहान, कितनी मेहनत से तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस देती हूँ मैं। अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया है मैंने, तुम्हारी एक एक चीज पूरी करती हूं मैं। इस बात का सिला देना मुझे, धोखा मत देना। चलो आओ, नाश्ता करो। ये चेयर मामा की है और इनके अलावा यहां कोई नहीं बैठता। वैसे कभी तुमने मोहब्बत की है नकी? कोई तो होगा जो तुम्हें मोहब्बत भरे खत लिखता होगा, जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता होगा। हम इस रिश्ते को मजीद मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों को तोड़ने के लिए लोग कहीं से भी आ जाते हैं। नहीं, तुम्हें इस घर में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। सीनी की इद्दत पूरी हो चुकी है,
हम चाहते हैं कि तुम्हारी और सीमी की शादी कर दें। इसे हम ग्रीन रूम कहते हैं। आज से ये कमरा तुम्हारा है और तुम डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करोगे। मैं तो समझा था मैं मालिक हूं इस कंपनी का। तुम हो बराबर। फिरोज की असिस्टेंट का क्या नाम है? परीसा। हाँ, उसे ग्रीन रूम में भिजवाओ। कुछ दिनों की बात है, मौका मिलता ही मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूं। बहुत बड़ी कंपनी है आपकी। बहुत पैसा है आपके पास। तो सब कुछ तुम्हारा और फिरोज का है। हाँ, पर जो कुछ है उससे मुझे अपनी मां के खून की खुशबू आती है। बैठो। यस सर। ये साहिल साहब हैं। आज से तुम इन्हें रिपोर्ट करोगे। ओके सर। कंपनी की जितनी भी वैलिड इंफॉर्मेशन है वो तुम इनके साथ शेयर करोगे। एंड मेक श्योर इन्हें कोई तकलीफ ना हो। आप हैं कौन? I'm sorry, sir. मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैं ये कंपनी छोड़ना चाहती हूं। वजह जान सकते हैं? सर, ये साहिल साहब। जानता हूं। बहराम ग्लोबल के नए सीओओ। थैंक यू परीसा, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं आता हूं। परीसा को आइंदा हरास किया तो अरेस्ट करवा दो। द हेल आर। अभी तो बताया उसने COO। तुम शायद भूल रहे हो COO कि मैं कौन हूं। बहजाद बहराम शाह। अल्तमश बहराम शाह का भाजा। और ये चार दिन तुम देख रहे हो ना अपने आसपास नहीं देखा। हाँ, लेकिन इस बात पे जेल में एक क्लास नहीं करती। ऑफिस में जो कुछ हुआ बहजाद ने मुझे बताया था। वो सख्त गुस्से में है। कमाल, मैं तो ये समझ जाता कि शर्मिंदा होगा। खुद बताइए, लड़कियों को छेड़ना कोई अच्छी बात है? ऑफिस में ऐसे इश्यूज होते रहते हैं। तुम इस बात को इतना सीरियस मत लो। बहजाद तुम्हारे भाइयों जैसा है।
साहिल भैया, ये फिरोज भाई का कमरा आपको कुछ चाहिए? अच्छा, ये बेडरूम है, वही मैं सोचा था ये कमरा हर वक्त बंद क्यों रहता है। असल में जब भी वो घर पे नहीं होते ना, वही मेक श्योर के कमरा लॉक था। नहीं, आई थॉट कोई ऊपर लाउंज वगैरह बनाया भाई शायद। कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं तो वैसे भी सोने जा रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट। साहिल नाम शायरों वाला, और ऑफिस में सब पे ऐसे भरम जमाता है जैसे बहराम ग्लोबल का मालिक हो। बड़ी चीज लगता है मुझे। बेटा, बड़ी चीज नुकसान भी बड़ा पहुंचाती है, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ अम्मी, मैं जानती हूँ आप परेशान ना हो। जब तक ये बंदा ऑफिस में है ना, मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, और आपको पता है मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। बहजाद ने ऑफिस में एक लड़की से बहुत बदतमीजी की, मैंने उसे समझाया तो नीलूफर आंटी आके मुझसे लड़ी कि आज तक बहजाद से इस तरह से किसी ने बात नहीं की। अब आप बताएं, मैंने सही किया या गलत किया? तो ये बात है, और दूसरी बात मेरे समझ में ये नहीं आती कि बहजाद ऐसे बिहेव करता है ऑफिस में जैसे वो मालिक है बहराम ग्लोबल का। इसलिए कि अल्तमश ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। एक्चुअली मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा था सर से कि मैं अपना इंतजाम कर लेता हूँ, मैं कहीं और रह लेता हूँ, लेकिन सर भी क्या करें, उन्होंने वादा किया था ना मेरे बाप से। तुम अपना ही घर समझो, और अगर नीलोफर तंग करे ना तो तुम मुझे बताना। मतलब यही था, मुझे एक्चुअली सही तरह से समझ में नहीं आई बात। अगर आ जाती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? कैसी हैं आप? ठीक है। तुम बताओ सफर कैसा गुजरा? सफर माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। व्हाट अ सरप्राइज। हां सरप्राइज इट। साहिल हेलो। फिरोज बैठी है, हम लोग आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ वो बस थक गई हूँ। ओके, फिरोज कहाँ है? भाई वो तो ऑफिस चले गए हैं, अभी आते ही ऑफिस चले गए। आप शायद मेरे भाई को अभी तक समझी नहीं है। अब वो आएंगे, सबसे पहले देखेंगे जाकर कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ है। भाभी आर यू ओके? हाँ रमशा, ये नीचे साहिल वो कोई गेस्ट आए हैं? हाँ वो बाबा के दोस्त के बेटे हैं। दोस्त के बेटे? और अब वो यहीं रहेंगे। क्यों? दरअसल साहिल भाई के पेरेंट्स एक प्लेन क्रैश में इंतकाल कर गए। बेचारे की बहुत सैड स्टोरी है, तो बाबा ने उन्हें अपना बेटा बना लिया है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। ओके, चलिए आप थोड़ा रेस्ट कर लें, फ्रेश हो जाएं, शाम तक फिर हम मिलते हैं।